ये वीडियो एक मजाक है, इसे मजाक की तरह लेना, दिल दिमाग फेफड़े कहीं मत लेना। हेलो, सो क्या चल रहा है? हैप्पी लोडी अगर आप 13 को देख रहे हो, हैप्पी संक्रांति अगर आप 14 को देख रहे हो, ठीक है? मतलब देसी म्यूजिक फैक्ट्री नहीं हो गई, रियाज का ससुराल हो गया, या फिर कह सकते हैं टिकटॉकर्स का ससुराल हो गया। क्या बढ़िया था गुरु। यहाँ पर हम सब बैंक बैंक पर अटके पड़े थे और तभी इनको चुल मचने लगी एक नया गाना निकालने की और सारी अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करने की। मतलब गाने के 30 सेकंड में ये लोग सिर्फ सुर ही लगा रहे हैं कि कॉल लग जा, बट वो साला कॉल उठा नहीं रहा है और उबासियां मार रहा है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और एक सेकंड, इतने सजे धजे कपड़े और ओहो लेदर जैकेट पहनकर कौन सोता है? मतलब दुनिया की सारी सर्दी तेरे ऊपर ही आके गिर गई है। हाँ, मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। और देखो बाल कितने सेट है, ऐसे बाल होते हैं क्या उठने के बाद इतने सेट? धिक्कार है हम पर भाई, थोड़ा रियलिस्टिक तो दो सॉन्ग के अंदर। सही पढ़ रहे हैं। अगर तू किसी को 1 बजे कॉल करी तो धीमी आवाज में ही बात करनी पड़ेगी ना, तो ऑफ कोर्स सी बात है तुझे चुप चुप धीरे धीरे ही बात करेगी तू उससे। अभी मुझे एक ही चीज समझ आ रही है कि इसकी घड़ी के 1 अभी भी बजे हुए हैं और वो बंदा उठ के सेम कपड़ों में डिस्को चला गया और नहाया तक नहीं। रिया दीदी थोड़ी शर्म कर लो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अब मुझे एक ही चीज समझ आई कि प्याज को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब भी ये दीदी जो उनकी गर्लफ्रेंड होने का क्लेम करती है इस वीडियो में, उसको जब भी कॉल करती है वो उसे इग्नोर करता है, खुद भी कॉल नहीं करता उसको। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। मुझे एक बात समझ रही, रियाज ने जो एक पोस्ट डाली थी उस पर कितने कमेंट्स आए थे, ओले रियाज आपका गाना आ रहा है, ओले रीफैम आपका गाना आ रहा है, ओले ले चल रहा था जो, उतने जितने लाइक्स तो है नहीं इस गाने पे, और ना ही जितने लाइक्स उस पोस्ट पे आए थे उतने लाइक्स भी नहीं है इस वीडियो पे। क्यों रियाज दीदी, ऐसा क्यों? बाबा ये बात तो गलत नहीं है भाई। सॉन्ग में इस लड़की ने ज्यादा सुंदर तो ये रियाज लग रहा था, कंपटीशन चल रहा है कौन ज्यादा सुंदर लगेगा। और एक बात बताओ, नहीं क्या सोच के क्या तुमने शूट किया था? कि वो इसके घर में चुपचाप आया, उसने इसको देखा, ताड़ा, फोन खोला, फोन उठाया, फोटो खींची, फिर रजाई उड़ा के चला गया। भाई घर वाले कोई रोल प्ले करते हैं नहीं करते हैं इस गाने के अंदर? और अब ये दीदी फोटो देख रही थी तभी रियाज आया बाइक पे, बुलेट पे। एक सेकंड, देखो ड्राइविंग लाइसेंस कौन देता है बे? कौन देता है? भाई साहब मम्मी के सामने बैठे दोनों इशारे कर रहे हैं, अरे मम्मी जी फोन छोड़ो अपना और देखो इन दोनों को गुफ्तगू चल रही है पीछे आपके और फोन में आप हो, ऐसे थोड़ी होता है। एंड सॉन्ग का नाम 1 AM है, एंड बहुत अच्छी चीज ये है इस गाने में किसी ने टाइटल का हुक वर्ड को रिपीट नहीं किया, लाइक टोनी कक्कड़ चॉकलेट टेले टेले ओ सोना मेरी सोना सोना ओ लैला लैला लैला, नहीं करा किसी ने। आई एम हैप्पी, ठोको ताली इस बात पे। चुप, बिल्कुल चुप। क्या घटिया प्रोडक्शन क्वालिटी है यहाँ पे, डिस्को में रियाज के लिप्स ही ब्लैक है, वैसा थोड़ा देख तो लेते। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरे को एक बात बताओ, जो भी देसी म्यूजिक फैक्ट्री का गाना होता है उसमें रियाज को डालना जरूरी होता है क्या?
सबसे सस्ते में तुम्हें वही मिलता है क्या? ये बढ़िया था गुरु। एंड इस बार भी इनके सो कॉल्ड फेलो क्रिएटर्स ने भर पेट इसका प्रमोशन किया, भर भर के प्रमोशन किया, जिसमें से बहुत ज्यादा वो कहते जन्नत जुबैर, फैजू और आयान सबने मिलकर दबा के रील्स बनाई। एंड हाँ, रील्स का भी रोस्ट आने वाला है। अगर तुमने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, या तो आई बटन शायद अब नहीं आता, मेरे को ऐसा चला, बट अगर आता होगा तो ऊपर भी डाल दूंगी। तो अब हम इस गाने को थोड़ा लीगली देखते हैं। पहली बात, ये लीगल नहीं है, तुम किसी घर में चुपचुपे घुस जाओ और उसकी बेटी के साथ आके तुम फोटो खींच लो। एंड उसके बाद सेकंड थिंग कि तुम बुलेट चला रहे हो व्हेन यू आर अंडर एज, ओके? अच्छा, तुम्हारे ऊपर शायद पहले भी केस हुआ, तुम कार चला रहे थे, किसी ने तुम्हारी फोटो वायरल कर दी थी, याद है मेरे को ऐसा कुछ हुआ था, वापस होने वाला है। अभी बजा आएगा ना भिड़ो भाई। मतलब ये बंदा सोता है सेम कपड़े पहन के, उठता है सेम कपड़े पहन के डिस्को जाता है, सेम कपड़े पहन के इसके घर आता है, फिर सेम कपड़े पहन के सो जाता है। भाई प्रोडक्शन मनी कम पड़ गया था क्या? भाई बात करते करते हग हो गया, फिर वीडियो खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो नो डाउट गाने के लिरिक्स ठीक ठाक है, आवाज अच्छी है, बट रिया दीदी अच्छी नहीं है, सोया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। पागल जोन का रोज पार्ट टू राइटिंग में चल रहा है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा, रील्स का पार्ट टू भी जल्दी आ जाएगा, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ एक और वीडियो है, वो भी आ जाएगी जल्दी। एंड ये मैंने इसलिए डाली जल्दी बिकॉज ये आया था सॉन्ग, और अगर मैं लेट हो जाती तो इस बार की तरह मेरे को व्यूज नहीं मिलते। सो या आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, एंड बैंग बैंग पे भी देख लेना मेरी पिछली वाली वीडियो, जो शायद जो मैंने कल ही डाली थी। एंड मेरी वीडियो, मेरा प्लान था ये वाली वीडियो कल डालने का, मतलब 14 को, बट फिर मैं सोचा कि 14 को संक्रांत है, सब बिजी होंगे, कोई वीडियो नहीं देखेगा, मुझे व्यू नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो मैंने इसलिए आज डाला है। आई होप तुम आज इसको व्यूज दे दो, एंड बैंग बैंग को भी दे दो, सो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज। एंड हाँ, हमारे 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, थैंक यू सो मच, 260 भी होने वाले हैं, जस्ट 400 बचे हैं उसके लिए, तो तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 300 हो जाए इस महीने में हमारे। सो या, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मुझे बताने में क्यों ऐसा एक्ट कर रही हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।